आप लोग जो ना वो ट्यूब अब बैंड हो रही है। स्टूडेंट ने जो ना वो काफ़ी टाइम से इस ट्यूब को पकड़े हुआ है, तो ये ट्यूब जो है बैंड होगी, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको थोड़ा सा ट्यूब को बैलेंस रखना पड़ेगा, सही तरीके से पकड़ के रखना पड़ेगा, और ट्यूब खुद ही बैंड होना शुरू हो जाएगी। आपने इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगानी है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी है। अब यहाँ पे देखिए, ट्यूब जो है ना वो जहाँ पे ये हीट हो रही है वहाँ पे थोड़ी बहुत काली होना शुरू हो गई है, ब्लैक होना शुरू हो गई है। उसकी वजह ये है कि जो फ्लेम हमने रखा है वो ऑरेंज रखा है। अगर ये ब्लू फ्लेम होगा ना, तो यहाँ से ये जो ट्यूब ब्लैक हो रही है ना, ये ब्लैक नहीं होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि रेगुलेटर के थ्रू आप क्या करोगे, सबसे पहले इस फ्लेम को क्या करना है, आपने ब्लू करना है। तो जो भी आप एपरेटस इस्तेमाल कर रहे हो, जो आप हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो उससे कोई ब्लैक जो है ना वो नहीं हो। ठीक है बेटा, अब ये पूरी तरह से जो है ना वो बेंट हो गई है। ठीक है, ये देखें, अब देखें बेटा, ये ट्यूब जो है वो अच्छी तरह से बेंड हो गई है, और इस स्टूडेंट ने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है। ठीक है ना, एक वी शेप जो है ना वो ट्यूब बेंड हो गई है। तो ग्लास ट्यूब को, किसी भी ग्लास ट्यूब को आप हीटिंग के जरिए क्या कर सकते हो, किसी भी शेप में बेंड कर सकते हो।